है मौत आ जाए पर रेड लाइन ना है, इतनी गर्मी। ओह माय गॉड यार। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज विवेक एंड वेलकम टू आवर चैनल वी आर वन। तो कैसे हो आप सब? आज मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ अपने फ्रेंड के पास। काफ़ी टाइम हो गया मुझे बोल रहा था कि मेरे पास आ, तो मैं जा नहीं रहा था, कुछ ना कुछ बहाना बना देता था कि बिजी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो आज फाइनली मुझे टाइम लगा, तो आज मैं उसके पास जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, मज़ा आएगा काफ़ी। और थोड़ा मैं तेज़ आऊँगा, अगर थोड़ी सी विंड नॉइज ज़्यादा आई तो उसके लिए पहले आपसे माफ़ी। बाकी आएगी तो नहीं, बाकी पता भी नहीं होता, कभी कभी आ जाती है। जो मेरा माइक है वो एयर नॉइज कैंसिल करता है, पर फिर भी आ जाती है थोड़ी थोड़ी अगर ज़्यादा तेज आऊँ तो। अभी देसी जुगाड़ इसका कुछ करना पड़ेगा, तो मैं वो थोड़े टाइम घर आकर वापस करूँगा। तो आज मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, रात रहूँगा वहीं पर। तो आप वीडियो को पूरा देखना और इन्जॉय करना, अगर थोड़ी सी हवा की आवाज़ है तो उसके लिए पहले से ही आपसे माफ़ी। और ये टॉप टेन KTM का 132, 133, नेक्स्ट 135 तक जाती है, उससे ज़्यादा नहीं जाती है भाई। तो वैसे पिकअप तो काफ़ी है बाइक है, बिकॉज ऑफ टॉर किसकी काफ़ी हाई रहती है KTM की बाइक की। सभी बाइक की पिकअप काफ़ी अच्छी होती है, पर इनका हाई एंड इतना अच्छा नहीं होता। अगर हाई एंड थोड़ा सा अच्छा करते तो मज़ा आ जाएगा, पर हाई एंड इतना अच्छा नहीं होता। पिकअप तो एक नंबर है, इसकी पिकअप का कोई मुकाबला नहीं है। बस ऐसे ही गाँव में टॉप एंड लगाता हुआ वो सीधा रोड है चंडीगढ़ तक, और आपको खुद देख लो कैसा है। टॉप एंड लगाना तो बनता है। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं रोपड़, ये नीचे गया सिटी को रास्ता, ये ऊपर सीधा चंडीगढ़ बाहर निकलता है, ऊपर सिटी के बाहर बाईपास आ जाए। और ये मेरे लेफ्ट हो गया नंदपुर साइड का रास्ता। आज मौसम ने मेरा साथ नहीं दिया, आज धूप है, बिल्कुल भी मौसम तेज नहीं हो रहा, धूप ही धूप, धूप ही धूप। पहले मैं ना जब भी गर्मियों में बाहर निकलता था, मैं फुल बाजू की टी शर्ट डाल के निकलता था, या फिर शर्ट डाल के निकलता था, या फिर जो हैंडसर लगाने वाले आते हैं वो डाल के निकलता था। बिकॉज मुझे टैनिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी कोई परवाह नहीं, टैन हो या कुछ हो, अभी बस ऐसे निकल जाता हूँ। क्या करना यार, टैन ये कौन सा कोई देखता है। बस एक महीना और है, ये सब खुद ठीक हो जाएगा सर्दियों में। ये मेरे लेफ्ट को गया रास्ता मनाली को, राइट को गया चंडीगढ़ दिल्ली वगैरह साइड। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तो आपसे पूछता हूँ, चलो आप बताओ कि मैं मनाली साइड राइड करूँ इस टाइम या ना। बिकॉज अगर मनाली जाना हुआ तो मुझे कोविड का टेस्ट कराना पड़ेगा, और मैं काफ़ी सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि डॉक्टर फेक टेस्ट, फेक पॉजिटिव बता रहे हैं कि ये इसको पॉजिटिव है। तो मुझे डर है कि, और मैं टेस्ट कराने गया मुझे भी पॉजिटिव बता दिया। तो आप बताओ प्लीज़ कि मैं कोविड टेस्ट कराऊँ या ना। जाने को तो वैसे भी जा सकता हूँ विदाउट कोविड टेस्ट, बिकॉज मेरे कज़न वगैरह सभी हिमाचल के हैं, उसके साथ चला जाऊँगा। पर अगर पूछ रही है तो कराना पड़ेगा फिर भी, तो आप बताना कि कराऊँ या ना। बिकॉज मुझे काफ़ी डर है यार, यहाँ पर फेकनेस बहुत है इंडिया में, तो कुछ भी कर सकते हैं वो। और ये सामने शुरू हो गया मेरा फेवरेट रोड, ये मेरा फेवरेट रोड है भगाने के लिए, बिल्कुल एक नंबर रोड है। चलो अभी भगाते हैं बाइक को पूरा, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लगाते हैं इसका टॉप एंड, देखते हैं कितने बज जाती है। ये होगी 100+, 118, और सिक्स गियर पर देखते हैं कितनी आती है, 135 के पास नहीं जाएगी, इसमें मुझे पता है। के लिए दबाया, नहीं तो एक आधी स्पीड से बच्चे पर 135 के पास नहीं जाती है ये बाइक।
बाकी पिकअप के मामले में कुछ मैंने पहले बोला आपको, पिकअप के मामले में इसका कोई जवाब नहीं है, किसी को भी पीछे छोड़ देगी 200 cc के सेगमेंट में, पर टॉप एंड के मुकाबले में थोड़ी सी मार खा जाती है। 135 भी पर इनफ है 200 cc के लिए, पर अगर 140-145 चली जाती तो अच्छा होता थोड़ा सा और। बाकी भाव सही है यार, लुक में इसको एक नंबर है ये बाइक, मजा चलाने में इसको ही पूरा आता है। यहाँ से चंडीगढ़ है 16 किलोमीटर, बस 16 किलोमीटर और फिर पहुँच जाऊँगा मैं चंडीगढ़। ये देखो जब मैं पिछली बार आया था चंडीगढ़ तब भी ऐसा ही हाल था, अब भी ऐसा ही हाल है, देखो टूटा, कोई अपग्रेड नहीं हुआ उनसे, इनसे 3-4 साल हो गए यही कुछ है, इनसे नहीं कुछ भी होगा। अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, काफ़ी ज़्यादा जिसको कहते हैं, अभी सीधे फ्रेंड के घर जाकर ही रुकूँगा मैं। अभी फ्लाई ओवर के नीचे हूँ, अभी थोड़ी सी सांस आई है गर्मी से और यहाँ पर धूल मिट्टी ज़्यादा, चलो वो तो कोई बात नहीं, मैंने हेलमेट लगा रखा है, पर गर्मी यार सच में काफ़ी है। सितंबर चल रहा है और ठंड का नामो निशान नहीं है कुछ भी, थोड़ा बहुत तो मौसम चेंज हो, पर अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यार, जिसे कहते हैं काफ़ी ज़्यादा। ओ भाई 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 भाई, एक तो यार ट्रैफिक में ना स्पोर्ट्स बाइक चलाना भी एक टास्क है, काफ़ी ज़्यादा हीट मारती है ये, वैसे गर्मी बहुत है और ऊपर से हीट, जहाँ से हीट छोड़ती है ये पीछे को, तो जो स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं उनको पता होगा काफ़ी प्रॉब्लम होती है, पूरी लेग्स गर्म हो जाती है, इतनी गर्म हवा मारती है ट्रैफिक में। आपसे एक और बार पूछनी थी मुझे, आपको पबजी बैन हुआ कैसा लगा? मुझे तो काफ़ी यार दुख हुआ, क्योंकि उसमें काफ़ी खेलता था रात को भी, सुबह उठकर भी अपने फ्रेंड्स के साथ, काफ़ी मज़ा आता था। अभी तो चलो मेरे फ़ोन में चल रही है, पता नहीं 1-2 दिन और है बंद हो जाएगी, पर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से दोनों जगह से हट चुकी है पबजी, तो कैसा लगा आपको, दुख हुआ या ना? मुझे तो काफ़ी हुआ यार, टाइम पास अच्छा था, पर कोई बात नहीं, चलो पहले देश है, बाकी सब बाद में, देश के लिए कुछ भी। अभी इंडियन भी कोई गेम आ रही है 4G के नाम से, चलो वो खेलेंगे, गेम ही तो है, पर देश पहले सबसे। अभी ट्रैफिक देखो यार कितना यार ट्रैफिक, और आपको यहाँ से आवाज़ भी आ रही होगी कि रेडिएटर चल चुका है, अभी देखो पूरी गर्म हवा छोड़ रहा है पीछे को, यहाँ से पूरी गर्म हवा आ रही है मेरे पैरों की ओर, और बस मैं मोहाली पहुँच चुका हूँ, मोहाली अभी थोड़ा आगे जाके मैं अपने फ्रेंड को कॉल करूँगा कि अपनी लोकेशन भेज, मैं सीधा तो ये घर पे आ जाऊँगा। वैसे तो मुझे पता है मुझे सेक्टर 20B जाना है, पर एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ी पता मुझे, तो उसे लाइव लोकेशन लगाऊँगा मैं, और मेरे राइट पर रहा वीआर पंजाब और मैं हूँ VR1, मेरा नाम कॉपी किया इन्होंने, मजाक करूँ पहले इनका नाम था VR पंजाब, पहले था NCM, अभी VR पंजाब है, काफ़ी अच्छा मॉल है ये भी, ये देखो कंस्ट्रक्शन थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस में, पहले ये सब नहीं था जब मैं पिछली बार आया था, अभी थोड़ी प्रोग्रेस हो रखी है, चलो 1-1.5 साल वो लगेगा अभी तो। और ट्रैफिक देखो यार, अब जितना पीछे मैं खींच कर आया उतना ही यहीं पर आकर स्लो होना पड़ा मुझे, मैं ट्रैफिक में तेज़ नहीं चलाता बिकॉज वो मुझे पसंद नहीं है ट्रैफिक में तेज़ चलाना, लोग भी गालियाँ देते हैं और वैसे भी खुद का भी एक्सीडेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। तेज चलाना है तो खाली रोड पर चलाओ, जैसे ट्रैफिक में नहीं। अभी बस मेरी चंडीगढ़ एंट्री होने वाली है, यहाँ पर स्पीड कम काफ़ी लगे होते हैं, तो अभी मैं धीरे जाऊँगा बिकॉज मुझे चलान नहीं करवाना, और कहीं आगे जाकर बाइक रोक कर पहले मैं फ्रेंड को फ़ोन करूँ, उसे लोकेशन मंगाऊँ। अभी तो मोहाली है, ये बस 1-1.5 किलोमीटर हो जाएगा चंडीगढ़ शुरू, और ये देखो जी इसको बच गया, ठोक देता नहीं तो गाड़ी वाले को, शायद कैमरे में दिखा होगा शायद नहीं। गर्मी में यार जो मर्जी हो जाए, रेड लाइन आए मौत आ जाए, पर रेड लाइन आए इतनी गर्मी, ओ माय गॉड यार, जो राइडिंग गियर्स पहन के चलाते हैं उनको तो सलूट है, इतनी मोटी मोटी जैकेट पहन कर चलाते हैं, मैं तो फिर भी टी शर्ट में आया हूँ, ओ गर्मी यार। अभी देखो मैंने उससे लोकेशन मंगवा ली है, यहाँ से 9.8 किलोमीटर, मतलब 18 मिनट का रास्ता है। अभी एक प्रॉब्लम है, मुझे फ़ोन हाथ में पकड़ कर चलाना पड़ेगी बाइक, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, अगर कोई पुलिस वाला आ गया तो मैं सामने
फेंक दूंगा भाई ये फोन, तो वो चलान कर देंगे नहीं तो। जब पसीना आता है ना तब हवा काफ़ी ठंडी लगती है बाइक पर अगर चलाओ तो। थोड़ा सा मैं रीड कर लूँ कहाँ जाना है। सीधा 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 चलो चलते हैं अभी। ये देखो ये है चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल जिसे कहते हैं। और ये यार प्लीज़ परे हो जाओ प्लीज़ प्लीज़। ये देखो रुक गई, ऐसे रिक्वेस्ट करने से रुक जाती है, तो अगर आपके सामने भी आए तो रिक्वेस्ट कर लिया करो। ये रुक जाती हैं और आपको साइड देते देती हैं। मुझे पहली बार चंडीगढ़ इतना खाली खाली लग रहा है, नहीं तो काफ़ी ट्रैफिक होता है। ये देखो सामने रोड देखो पूरा खाली, क्या हो गया पब्लिक को इतना ज़्यादा खाली रोड। एक तो ना कोविड ने पूरे 2020 की लगा रखी है। ये देखो खाली पूरा रोड खाली, पता नहीं कब होगा ठीक, कब मिलेगी वैक्सीन हमें। अभी थोड़ा सा मैप देख लूँ कहाँ जाना है। अभी सीधा 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 अभी सीधा ही जाना है। ओहो सामने रेड लाइट हो गई यार। तभी मैं धीरे चल रहा हूँ बिकॉज कोई ऐसे एक कट मिस हो गया तो मुझे 3-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेंगे, तो धीरे जाना अच्छा है। T3 बस स्टैंड इसी रोड पर है सीधा, वो तो मुझे पता है पर बाकी का नहीं पता। इतना इतनी बार चंडीगढ़ आ गया हूँ, इतनी बार उसके घर चला गया हूँ मैं, फिर भी अभी तक रास्ता नहीं मुझे पता लगा। वैसे इतना टाइम तो चंडीगढ़ मुझे आने में नहीं लगता जितना टाइम चंडीगढ़ घूमते घूमते किसी के पास जाने में लग जाता है। बिकॉज यहाँ पर रेड लाइट्स काफ़ी है और ये राउंड अबाउट काफ़ी है और रेड लाइट और ट्रैफिक, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। एक ना मैं सोच रहा हूँ कि मोबाइल होल्डर लगवा ही लूँ, बिकॉज ये देखो कैसे मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है फ़ोन। मोबाइल होल्डर लगा लूँ, अगर कहीं जाना लोकेशन लगाओ बस, कोई चिंता नहीं, कोई हाथ में नहीं पकड़ना पड़ता फ़ोन। अभी फिर लोकेशन देखनी पड़ेगी कहाँ जाना है मुझे। अभी फिर सीधे से लेफ्ट, अभी लेफ्ट लूँगा सामने जो भी राउंड अबाउट आएगा। देखो काफ़ी मुश्किल होता है ऐसे फ़ोन पकड़ के चलाना है और सामने पुलिस वाले आ गए तो दिक्कत। तो इससे अच्छा है कि 500-600 का मोबाइल होल्डर लगा लो यहाँ पर, अच्छा रहेगा। वो इस सिटी की साफ सफाई देखो आप कितनी साफ सफाई है और आले दुआले पेड़, पूरी सिटी ऐसे ही है, मार्केट लग जाती है और रोड ऐसे ही होते हैं सभी। देखो कितनी साफ सिटी है पर मुझे अच्छी नहीं लगती ये। देखो यार काफ़ी टाइम लग जाता है रेड लाइट्स की वजह से और मुझे रेड लाइट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर होती तो अच्छी है चलो अपने सेफ्टी के लिए। अगर रेड लाइट ना हो जहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए, पर फिर भी जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर कोई रेड लाइट नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही घूमो विदाउट हेलमेट कोई चक्कर नहीं, यहाँ पर तो चक्कर ही चक्कर है। ये तो पता नहीं कौन सी मार्केट है, नहीं तो काफ़ी अच्छी अच्छी मार्केट है यहाँ पर। आज मैं पूरा घूमूंगा, कल भी घूमूंगा, कल शाम को जाऊँगा घर। अभी सीधा ही जाना है मुझे एक राउंड अबाउट और सीधा जाना है, फिर लूँगा मैं लेफ्ट। ये देखो कोविड की वजह से काफ़ी ट्रैफिक कम हुआ है, नहीं तो काफ़ी ट्रैफिक होता था। अच्छी बात भी है कि ट्रैफिक कम है और बुरी बात भी है बिकॉज लोग अपनी जॉब्स गंवा रहे हैं और लिटरेसी ज़्यादा आ रही है इंडिया में। बड़े बड़े यूट्यूबर्स के ब्लॉग में देखा होगा कि ज़ेबरा क्रॉसिंग पर भी लोग अपनी गाड़ी बाइक्स वगैरह लेकर चले जाते हैं, पर यहाँ पर कोई नहीं लेकर जाता। ये देखो सभी ज़ेबरा क्रॉसिंग के पीछे ही है और मैं भी पीछे ही हूँ। अभी मैं एंटर कर चुका हूँ 20B में, अभी बस उसका घर ढूंढ रहे हैं, बाकी उसके घर के सामने जाकर उसे कॉल करनी है। ये 20B की मार्केट, यहाँ पर काफ़ी मोमोज खाया मैंने पहले पहले, काफ़ी आता था मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रात को, काफ़ी मोमोज खाए हैं मैंने। इसकी लोकेशन ये देखो यहाँ से 750 meters ओनली।
अभी मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया है, वो बाहर आ रहा है। बस ये देखो लोकेशन पर मैं पहुंच गया, यहाँ से जाना है मुझे राइट, और ये है चंडीगढ़। ऐसे होते हैं घर्स, ये है सरकारी फ्लैट, गवर्नमेंट फ्लैट्स जिसे कहते हैं। ये देखो मैं अपने फ्रेंड के घर पहुंच चुका हूँ, ये रहा मेरा फ्रेंड, देखो नशेड़ी। अभी इसका वाइवा चल रहा है, इसके एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो चलते हैं इसके घर, पता नहीं अंदर लेकर जाएगा अभी या नहीं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो, तो ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। ये रही मेरी बाइक, वो रही, और लाल उसका पाचे है। तो अभी यहाँ पर ही हूँ मैं एक रात, बाकी पता नहीं ज़्यादा भी रह सकता हूँ। तो वीडियो को ये वाली को यहीं पर एंड करता हूँ, होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।